कि कोविड-19 सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। सॉरी, एक बार फिर से कुछ नेटवर्क के इशू की वजह से हम लोगों ने काफी वक्त आपको परेशान किया। हाँ, एक बार फिर से योग दिवस की आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। विजन ग्रुप की तरफ से हम आपको संपर्क कर रहे हैं, और जैसा कि सब्जेक्ट ही है हमारा, जो आज का टॉपिक है वो यही है, कोविड-19 को अवॉइड कैसे कर सकते हैं थोड़ी योग के माध्यम से। तो योग एक एक्चुअल में सही अर्थों में अगर समझें तो योग शरीर को स्वस्थ रखने का, मानसिक समस्याओं को दूर करने का और सोच को बदलने का एक बहुत ही सटीक और व्यवस्थित तरीका है। योग हमारे जीवन में अगर दिनचर्या में अपनाए जाएं तो ये हमारे लिए ऊर्जा बढ़ाने वाले काम करते हैं। शरीर अस्वस्थ ना हो उसके लिए तो करते ही हैं, अस्वस्थ शरीर को स्वस्थ करने के लिए भी योग को अपनाना चाहिए। तो इस तरीके से योग प्रत्येक प्राणी के लिए ऑक्सीजन का काम करता है, और इसको करके जीवन को अत्यधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। महर्षि पतंजलि ने बताया है कि योग किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। योग की जो डिफिनीशंस हैं उसमें सबसे बड़ी डिफिनीशंस भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने उपदेश देते हुए कहा है कि योगः कर्मसु कौशलम्। इसका मतलब ये होते हैं कि योग जो भी काम आप करते हैं, योग ये डिसाइड नहीं करता कि आप कौन से काम करते हैं या करना चाहिए। योग आपके कर्म को जो भी करते हैं उसमें कुशलता लाने का काम करता है। तो आप योग के माध्यम से अपने कामों को कुशल तरीके से, अच्छे तरीके से कैसे कर पाएं, उसके लिए योग करने की जरूरत है। दूसरा, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। योग हमारे मानसिक चंचलता को स्थिर करने का काम करती है। योगस्य मतलब योग, चित्त मतलब मन, वृत्ति मतलब उसकी गति या चंचलता, निरोधा मतलब उसे कंट्रोल करना, नियंत्रण करना या उसे आपके बस में करना। तो योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, ये इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है कि योग व्यक्ति के दैनिक जीवन को व्यवस्थित तो करते ही है, सबसे मुश्किल काम मन की चंचलता पर नियंत्रण पाना, खास करके स्टूडेंट लाइफ में या जो ऑफिस वर्क करते हैं उनके लिए मानसिक स्थिरता अत्यंत जरूरी है। अगर ये आप अपने मन को कंट्रोल कर लें तो दुनिया की कोई भी ऐसी कार्य नहीं है जिनको आप सुविधाजनक तरीके से ना कर लें। तो इसलिए
आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि योग अपने जीवन में जरूर अपनाएं। योग किसी धर्म से नहीं जुड़ा है, योग टूल्स के रूप में काम करता है। जिस तरीके से तमाम हमारे टूल्स, उसका उपयोग चाहे एक राजमिस्त्री करे या फिर कोई एक सामान्य आदमी करे, तो उससे वही फायदे लिए जा सकते हैं जो एक स्पेशलिस्ट ले रहा है। इसको पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के करने का, कोई कोई पर्टिकुलर जगह पर करने का लाभ तो संभव है, कुछ घट बढ़ जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि हम करते हैं मुझे फायदा नहीं होगा, यही काम कोई दूसरा करता है तो जरूर फायदा होगा, ऐसा नहीं है। कुछ कमोबेश फायदे कम या ज्यादा हो सकते हैं, ये तो संभव है। संभव क्यों है? शरीर की परिस्थितियां, व्यक्ति की मनोदशा, वहां का वातावरण, हमारे शरीर के अपने इंटरनल पार्टों की क्षमता, ये सारी चीजें डिपेंड करते हैं कि वो कितना ज्यादा इफेक्टिव हो पाएगा। बट इफेक्टिव जरूर होते हैं, इसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। और ये सारे लोगों को समझना चाहिए कि हम योग को कैसे अपनाएं, अपने दैनिक जीवन में अपनाकर अपने बाकी कामों को सुचारू रूप से कैसे चला पाए, उसके लिए आपको योग अत्यंत जरूरी है। मैं आपको कुछ चीजें ऐसे बताने का प्रयास करूंगा कि जो योग की महत्ता को समझाएगा और उसे आप कैसे कर पाए, उसके लिए हम आपको कुछ चीजों को दिखाने का भी प्रयास करेंगे। इसी तरीके से पूरी की पूरी प्रक्रिया योग पर आधारित है। हम उस योग की बात कर रहे हैं जिस योग को 5000 वर्ष पहले मानव के ऊपर ट्रायल करके आपको दिए गए हैं। मैं उस बात योग की बात नहीं कर रहा हूं जो आज आपने रात को स्वप्न देखा और कल आपने बता दिया कि आपको ऐसे करने हैं। मैं योगिक क्रियाओं की बात कर रहा हूं जो साइंटिफिक है, पूरी तरीके से विज्ञान से जुड़ा हुआ है। कोई व्यायाम नहीं है। कुछ लोग गलतियां करते हैं कि इसे व्यायाम समझने की भूल करते हैं, वो उस लाभ से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति की मनोदशा जो होनी चाहिए, वहां का माहौल क्या होना चाहिए, हमारे शरीर की क्या स्थिति होनी चाहिए, ये सारी चीजें डिपेंड करते हैं आपके लाभ कितने मिलने वाले हैं, आपको कितना लाभ योग से मिलने वाला है। सपोज करें अभी आपको आसन करने हैं, उसके ठीक पहले आपने कोई ऐसी चीज खा ली जो अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है और वो लिक्विड भी नहीं है, सॉलिड फॉर्म में रख लिया है, खा लिया है, तो अब संभव है कि आप कुछ गर्दन की, हाथ की क्रियाएं तो कर सकते हैं, उसमें उतना नुकसान तो नहीं होगा, मगर आप बहुत बड़े लाभ की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं कहता हूं जिस लाभ के लिए आप योग की क्रियाएं कर रहे हैं, अगर वो लाभ आपको नहीं मिलता है तो ये भी एक नुकसान की ही श्रेणी में जाते हैं। तो योग की क्रियाएं हमेशा स्वस्थ मन से, अच्छे विचारों से, खाली पेट, शरीर को लाइट रखते हुए अगर करेंगे तो इसका 100% लाभ मिल पाएगा। क्योंकि योग विज्ञान है, ये आपके ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं। पूरा का पूरा योग का अगर सिनेरियो हम आपके सामने प्रेजेंट करें तो आप पाएंगे कि जितनी भी हमारे शरीर के अंदर ग्लैंड्स हैं, एक्चुअल में योग या योगिक क्रियाएं
उन्हें स्टिमुलेट करने के लिए जानी जाती हैं, उनको उनकी क्षमता को बढ़ाने का काम करती हैं। हमारे शरीर के जो सिस्टम हैं, जो सुपर तरीके से बनाए गए हैं, उनको उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट का काम करते हैं हमारी यौगिक क्रियाएं जिनकी हम बात कर रहे हैं। हम आपको किसी भी ऐसी यौगिक क्रिया की बात नहीं करेंगे जिसमें स्टेबिलिटी ना हो और चेहरे पर हल्की सी प्रसन्नता ना हो। ये चीजें आपके लाभ को बढ़ा देंगी अगर आप आसनों में स्टेबिलिटी देंगे और प्रसन्न चित होकर के आसनों का अभ्यास करेंगे। हम आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम उन योगिक क्रियाओं को आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जिनका अभ्यास आप खुद अभी कर सकते हैं या फिर आप सीख करके बाद में इसे खुद कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, अभी मैं आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सामने की तरफ आप योगिक क्रियाओं को देखेंगे। अभी मैं आपको योगिक क्रियाओं का पूरा जो है लाइव आपको दिखाएंगे, जिसके माध्यम से आप सीख भी पाएंगे और उसको फॉलो भी कर पाएंगे। देखेंगे सबसे पहले, ये देखिए सामने की तरफ, ये आपको उन क्रियाओं का अभ्यास करके दिखाएंगे जिनके लाभ की मैं बात कर रहा हूं। इस COVID-19 को कैसे अवॉइड किया जाए और अगर समस्याएं हैं तो उनसे कैसे दूर करके बचा जाए। देखिए सबसे पहले इस तरीके से दोनों पैर सर वॉइस नहीं आ रही है। सर वॉइस नहीं आ रही तो कनेक्शन चेक कर लीजिए। ठीक सर, ठीक है सर। तो स्टूडेंट अभी सर आप कुछ प्रैक्टिकल दिखाएंगे योगा का, बस एक मिनट लगेगा, वो सेटअप कर रहे हैं।
सर ज्वाइन विद ऑडियो कर दीजिए। यस सर, सर ठीक है आ गया सर, अभी तो मुझे आ रहा। हाँ सर ठीक है, वीडियो ऑन कर लिया। हाँ वीडियो ऑन कर लिया, वीडियो ऑन कर दिया। ओके ठीक सर, ओके। देखिए ये जो अभी आसन देख रहे हैं एक्चुअल में ताड़ासन जैसा है मगर ताड़ासन नहीं है। तो नॉर्मली ताड़ासन की पोजीशन में जाकर के उसे ऊर्ध हस्तोत्तान कहते हैं, लोग नहीं जानते नॉर्मली, बट हम आपको उसे ही सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों पैर मिलाकर देखिए, फेस इधर की तरफ किया, फेस इधर की तरफ, उंगलियों को ग्रिप बनाकर ऊपर की तरफ ले गए। ये देखिए ऊपर की तरफ ले जाइए। अभी क्या करने हैं, फेस हमारी तरफ घुमा लेंगे। ये देखिए इसमें आपके पैर मिले हुए हैं और ये देखिए पैर मिले हुए हैं और इसमें आपको आगे से सामने देखते हुए कमर से लेफ्ट में झुकेंगे। देखिए कमर से लेफ्ट में ज्यादा नहीं झुकने हैं, एक निश्चित एंगल पर रोकने हैं और फिर उसके बाद सांसें नॉर्मल रखते हुए बीच में आ जाएंगे। दूसरी तरफ ये देखिए, ये ऐसे 30 सेकेंड से आप शुरू करके धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। वापस आ जाएं, बड़ा सा गोला बनाएं और वापस आ जाएंगे। इसे ऊर्ध हस्तोत्तान आसन कहते हैं। इसके फायदे ये हैं कि ये अटैक जो करता है वो आपके लंग्स पर करता है, बारी बारी आपके दोनों लंग्स एक्टिवेट हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको वो पूरे लाभ मिल पाते हैं। तो इस तरीके से अभी जो देखा ये आसन आपका ऊर्ध मतलब होता ऊपर, हस्तोत्तान मतलब होता हाथों को तानना और फिर साइड बेंड करना। जब आप साइड बेंड करते हैं तो एक तरफ का लंग्स एक्टिव होता है, दूसरी तरफ करते हैं तो दूसरी साइड का, तो दोनों लंग्स में खिंचाव पड़ते हैं बारी बारी। ये अस्थमेटिक नहीं होने देंगे, एयर को कैप्चर करने की क्षमता इसमें इंप्रूव हो जाती है आपके लंग्स की। आपके लीवर और पेंक्रियाज मोर वो यूजफुल हो जाते हैं, या यूं कहें कि मोर एक्टिव हो जाते हैं, उस एक्टिवेशन की वजह से ये ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं। तो ये आपको जरूर करना चाहिए, ये आसन उनको भी करना चाहिए जिनको कॉन्स्टिपेशन रहते हैं, इसको करके कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते हैं। सुबह 2 गिलास पानी पी करके इस आसन को करने से इंटेस्टाइन में जो चीजें हैं वो तेजी से सरक करके रेक्टम की तरफ से आते हैं और वो इजिली वॉश आउट करने में मदद मिलती है। तो इसे ऊर्ध हस्तोत्तान के नाम से, जिनके साइड में फैट है वो भी हटाने के लिए, बस अभी फोकस हमारा है जो मेन बिंदु है COVID-19 को अवॉइड करने के लिए, तो वो आप हमेशा ध्यान रखें कि उसमें ये फायदे करते हैं क्योंकि लंग्स को एक्टिवेट करने में मदद मिलती है। अब देखिए दूसरे आसन, दूसरा आसन पच्छी आसन है। पच्छी आसन में आप देख लीजिए, पच्छी आसन एक्चुअल में आपको जल्दी किसी किताब में नहीं मिलेगा। इसमें देखिए पैर का जो डायरेक्शन है वो 1 फिट या 1.5 फिट है और फिर उसके बाद दोनों हाथ ओपन करते हैं 180 डिग्री पर, ये देख लीजिए, और कंधे से थोड़ा पीछे खींचते हैं, बस जितना आसानी से खींच पाए। इसके बाद कमर से लेफ्ट में स्लाइटली टर्न करेंगे। देखिए दोनों हाथ पीछे जा रहा है, ये देखिए अब इसको थोड़ा अप डाउन करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, रोक लीजिए। दूसरी तरफ, गुड, दूसरी तरफ यही करेंगे। इसे आप 2 से 3 राउंड कर सकते हैं
ये देखिए अप डाउन कर रहे हैं, सांस भर रहे हैं, हाथ ऊपर सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, बीच में आ जाइए। बीच में आने के बाद आपको गोलाकार हाथों को घुमाते हुए इस तरीके से धीरे से वापस आ जाएं और शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। ये जो अभी आपने पोजीशन देखी ये पच्छी आसन के नाम से जानी जाती है, और पच्छी आसन हार्ट अटैक ना होने देने के बेस्ट आसनों में से एक है। इसकी गारंटी यही है कि आपको हार्ट अटैक नहीं होने देगा। उसके रीजंस हैं अपने, उनके दावे जो हैं उनके दावे में कोई साइंटिफिक एविडेंस भी हैं। ऐसे समझें कि आपकी जो आर्टरीज है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है जिससे इजिली सर्कुलेशन होने लगता है, आपके हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मजबूती आ जाती है उसमें, तो वो बहुत अच्छे से काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये सारे लाभ आपको मिल पाते हैं। तो पच्छी आसन बहुत ही यूजफुल आसन, और आज की जो समस्या है उसमें चूंकि लंग्स सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं और जिसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो करके डेथ हो रहे हैं या ट्रबल कर रहे हैं, तो ये अगर रोज आप करते रहे सिर्फ दो राउंड एक तरफ, दो राउंड एक तरफ, 10 से 15 सेकंड से 30 सेकंड तक एक तरफ होल्ड करते हुए, बस इसे आप कर लें। ये दूसरा आसन था ऐसी समस्याओं को ठीक करने के लिए। पूरी लाइफ में व्यक्ति की हार्ट अटैक से मृत्यु नहीं होगी, ये इस आसन की गारंटी है अगर रोज इसे किया जाए तो। अब हम आपको तीसरे आसन की बात करेंगे। इसे योग की सूक्ष्म क्रियाएं हैं, एक्चुअल में ये आसन नहीं है, क्योंकि खड़े होने वाली की श्रेणी में है, इसलिए मैं चाहता हूं खड़े होने वाले पोजीशन पहले आप देख लें, फिर हम बैठ करके लेट करके दिखवाएंगे। तो उसमें उसमें आप पहले पोजीशन देखिए, फिर मैं आपको उसका ब्रीफ कर देंगे। तो ये जाके देख लीजिए। अभी क्या करने हैं, दोनों पैर पास पास कर लें यथासंभव आप अपनी क्षमता अनुसार। अगर डिसबैलेंस हो रहे हैं तब आपको पैरों में गैप रखना चाहिए, वरना पैरों में गैप की जरूरत नहीं है। मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठे चाहे आप अंदर रखिए चाहे बाहर रखिए, वो आपके ऊपर है। हाथ को मोड़ लेंगे, क्योंकि इसमें सांस को भर करके 5 टाइम अप डाउन करने हैं, लास्ट में सांसों को छोड़ने हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूं करना क्या है। पहले सांस को लंग्स में इनहेल कर लिया, 5 टाइम दोनों हाथ अप डाउन किया, 1, 2, 3, 4, 5, और लास्ट में सांस को छोड़ दिया। इससे क्या होगा, देखने में तो बड़ी सिंपल सी है, आप ऑफिस में बैठ करके भी इसे कर सकते हैं, मगर जब आप इसे खुद करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके लंग्स में ऐसा लगेगा इजिली सांस जाने। एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत ही यूजफुल क्रिया है यह। सांस भरा, 5 टाइम काउंट करके करने हैं, 2, 3, 4, 5, हाथ नीचे रोक करके सांस को छोड़ देते हैं। मैं आपको वो चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपके पास 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, तो उसमें आप मैक्सिमम लाभ कैसे ले पाए। अभी जो आपने देखा ये योग की सूक्ष्म क्रियाएं हैं, इसमें हर बार आप छोड़ नहीं रहे होते सांस। इसमें क्या किया, एक बार इनहेल किया, रोक लिया लंग्स में, फिर हाथ को ऊपर नीचे जब करते हैं तो आपके लंग्स की मसाज होते हैं। लंग्स की मसाज होने से सबसे बड़े फायदे होते हैं, लंग्स के ब्लॉकेज ओपन हो जाते हैं। लंग्स का ब्लॉकेज ओपन हो जाएगा तो नेचुरली आपके लंग्स को ऑक्सीजन लेने की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी और आप पाएंगे कि इजिली सांस जा रही है बिना किसी दिक्कत के। तो इस तरीके से ये अभी जो किया इसको 5 टाइम करिए, शुरुआत में 5 राउंड करिए, धीरे धीरे इसे 10 टाइम 1 राउंड में और 5 टाइम फिर करिए। तो 10 into 5 यानी 50 राउंड आपको हाथों को अप डाउन करना चाहिए।
इसका काम बेसिकली लंग्स पर पूरा प्रेशर दे करके उसे एक्टिवेट करना है, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, खास करके COVID-19 को कैसे अवॉइड किया जाए, क्योंकि आपके लंग्स अगर मजबूत हैं, इम्यूनिटी आपकी हाई है, तो ये खास करके वायरल आपको परेशान नहीं कर पाएगा, आ भी जाएगा तो वो आपको नमस्कार करेगा और चला जाएगा। अभी इसके अलावा आप आसन देखें, आपको 3 या 4 आसन और कराएंगे, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो आसन की क्वालिटी का मतलब है कि उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको फॉलो करते हुए उसका ड्यूरेशन आपको बढ़ाने हैं। देख लीजिए दूसरे आसन और, अभी आप बैठेंगे वज्रासन में, ये पैर पीछे मोड़कर बैठ रहे हैं, इसे आप नमाज की मुद्रा बोल सकते हैं, जिसमें आप बैठ करके नमाज पढ़ते हैं, इसे ही आसन को एक्चुअल में वज्रासन कहते हैं। वज्रासन में घुटने आपस में मिले हुए हैं, और इस मुद्रा में एक आसन होगा जिसे हम शशांक आसन कहते हैं। शशांक आसन का लाभ हम आपको अभी ब्रीफ करेंगे, सबसे पहले उसकी पोजीशन देख लीजिए। ये देखिए घुटने में गैप बनाया जा रहा है, घुटने में गैप बनाते समय देखिए हील्स में भी गैप हो गया, और इस गैप के साथ आप देखिए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, नेक सीधी रहेगी, और फिर कमर से फॉरवर्ड बेंड करेंगे, गुड गुड, ये देखिए माथे को जमीन से लगा लिया और शरीर को ढीला छोड़ दिया। ये भी आपकी नमाज की एक मुद्रा ही है, जब आप चरण स्पर्श करते हैं, जमीन को लगाते हैं माथे के से, तो ये भी एक नमाज की ही पोज है। इसे मानसिक समस्याओं को दूर करने के बेस्ट आसनों में से बताया गया है, क्योंकि इसमें ब्लड सर्कुलेशन आपके ब्रेन की तरफ मैक्सिमम मूव करता है, जिसकी वजह से ये लाभ आपको मिल पाते हैं। धीरे से वापस आ जाएं, इसमें वापस उसी तरीके से आएं, हाथ ऊपर करेंगे और गोलाकार हाथों को घुमाते हुए वापस आ जाएं। 30 to 1 minute वो आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी इस शशांक आसन के बारे में समझा देता हूं कि इसके कैसे आप लाभ ले पाएंगे। ये शशांक आसन जो आपने अभी देखा, इसमें जब आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स और पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये दोनों के दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मानसिक शांति लाने में मदद मिलती है, और ब्लड का सर्कुलेशन मैक्सिमम अपर पार्ट में जाएगा। एक साइंस है, जहां पर ब्लड मैक्सिमम मूव करेगा नेचुरली वहां ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी, और जहां ऑक्सीजन आसानी से पहुंचेगी नेचुरली वहां पर रिएक्शंस इजिली हो पाएंगे, क्योंकि जितने भी रिएक्शंस होते हैं हीट और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होते हैं। अगर केमिस्ट्री के बच्चे हैं तो आप जानते होंगे कि ये सारी प्रक्रियाएं हीट और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होते हैं। तो आपको मोर ऑक्सीजन दे करके लाभ लेने का प्रयास करना है। तो जैसे ही ब्लड मैक्सिमम अपर पार्ट में आएगा, मानसिक समस्याओं को दूर करेगा, ब्रेन को रिलैक्स करेगा, और आपके दोनों नाक से, लेफ्ट राइट दोनों से बराबर सांस का आना जाना, इसे सुषुम्ना स्वर कहते हैं। सुषुम्ना स्वर योग का बहुत ही सुपीरियर स्टेज होते हैं। जिस समय आपके दोनों नाक से बराबर सांस आती है, वो योग क्रियाओं के लिए, ध्यान के लिए, प्राणायाम के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो वो इसमें करने चाहिए। हम आपको कुल 2 आसन और कराएंगे, उसके बाद हम प्राणायाम आपको दिखाएंगे। आपको नंबर ज्यादा नहीं करने की जरूरत। एक नाम है गौमुख आसन। गौमुख आसन बेसिकली आपके लंग्स को एक्टिवेट करते हैं और
आपके किडनी को खराब होने से बचाते हैं, उनमें खिंचाव दे करके उससे बूस्टअप करते हैं। आप देखिए कैसे करना है, वो मैं दिखा देता हूं आपको। इस तरीके से पहले देख लीजिए, पैर को फैलाया सामने की तरफ, पोजीशन अभी बदलना पड़ेगा, संभवतः हमारी तरफ फेस करना पड़ेगा, इसलिए कि आप लोग सारी चीजें समझ पाएंगे। देखिए, एक पैर को मोड़ा लेफ्ट को और राइट को क्रॉस करके, ये देखिए जैसे एक पैर के ऊपर बैठते हैं, इसे अर्ध वज्रासन कहते हैं। तो अर्ध वज्रासन, एक पैर पर बैठ रहे हैं तो उसे हम अर्ध वज्रासन कहते हैं। अब जो पैर ऊपर है वही हाथ कंधे के ऊपर से ले जाइए, देखिए, गुड, और दूसरा हाथ पीछे से ले जाकर एक ग्रिप बन रही है बैक साइड में। वापस आकर के एक बार पीछे की तरफ दिखा दीजिए, बैक साइड की क्या पोजीशन है, ये देखिए। क्योंकि जो भी आप ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें आपको यही चीजें समझनी है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, एक पैर पर बैठे हुए हैं, एक पैर को क्रॉस किया और हाथ के पीछे वाली पोजीशन देखिए, ये देखिए ग्रिप बन रहा, और ग्रिप बना करके आप उसको टाइट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपके हाथ की ऊपर वाली एल्बो आसमान की तरफ कान से लगी हुई, ये आपके लंग्स में जबरदस्त खिंचाव दे रही है और आपकी स्पाइन को स्ट्रेट करके उसमें भी लाभ मिल रहा। धीरे से वापस आ जाते हैं, ये देखिए, और यही आप पैर बदल के करेंगे, मगर अभी ज्यादा नहीं कराएंगे, इसलिए कि आप लोगों को ऑलरेडी काफी वक्त मैंने ले लिया है, तो और परेशान नहीं करेंगे। मैं चाहूंगा कि इसका मैं आपको लाभ बता दें, और कि गौमुख आसन करने से लंग्स में ऑक्सीजन को सोखने की, या यूं कहें ऑक्सीजन का वायुमंडल से लंग्स का वायुमंडल से ऑक्सीजन लेने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, और वृद्धि तभी होगी जब आपके लंग्स स्ट्रांग होंगे। भले ही वायुमंडल में ऑक्सीजन भरी पड़ी हो, मगर आपके लंग्स अगर वीक हैं तो वो नेचुरली वहां से ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे और आप थकान का अनुभव करेंगे, ब्रीथ ट्रबल में रहेंगे, बहुत सारे रिएक्शंस नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से आप ये सारे लाभ ले पाते हैं। तो ये गौमुख आसन रोज एक पैर पर 30 सेकंड से 1 मिनट तक, और फिर पैर बदल लें, हाथ भी बदल जाएगा। जो पैर ऊपर रखते हैं वही हाथ भी ऊपर से ले जाते हैं। अगर आपने राइट लेग को पैर के को क्रॉस किया है तो आपको राइट हैंड रखने हैं, लेफ्ट क्रॉस किया तो लेफ्ट हैंड ऊपर ले जाने हैं, बाकी पीछे की तरफ यूं ग्रिप बनती है और ये आपस में खिंचाव देते हैं। तो आपको ये ग्रिप बहुत जरूरी है। अगर नहीं हो पा रही है तो आप हैंकी का इस्तेमाल कर लें, या इस तरीके का कोई रॉड है, आप दूर दूर हैं तो इसको यूं पकड़ लें। ये देखिए हैंकी को कैसे इस्तेमाल करेंगे, देख लीजिए हैंकी का इस्तेमाल, देखिए, ये देखिए इस तरीके से किया और दूर से आपने पकड़ लिया, और धीरे धीरे स्पेस कम करेंगे, ये देखिए धीरे धीरे स्पेस कम करेंगे, तो बस रोकेंगे जहां पर रोक पाए, और जब लगे कि आप नहीं रोक पा रहे हैं तो आप वापस आ जाएं। जरूरी नहीं आप पास पास कर पाए, बिल्कुल जरूरी नहीं कि पास पास, दूर दूर रह सकता है। इस तरीके से धीरे धीरे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, कभी भी पूरी लाइफ में फ्रोजन शोल्डर नहीं होने देगा, जबकि आजकल जकड़न शोल्डर की बढ़ रही है, लोग बहुत ज्यादा परेशान है। ऑर्थोपेडिक के पास जाएं तो आप देखें शोल्डर, कमर और घुटना, इवन नेक, सर्वाइकल, सारे के सारे खराब हैं, बचा क्या, जीवन का आनंद कहां से लेंगे। हम कहते हैं प्रत्येक वस्तु का मैक्सिमम आनंद कैसे ले पाए, प्रत्येक वस्तु का, जैसे फीमेल मेंबर, मेल तो शायद उतना नहीं, फीमेल मेंबर ब्यूटी के ऊपर सारा पैसा उनसे आप ब्यूटी के नाम पर ले सकते हैं, जितना भी किसी भी तरीके का पैसा वहां उन्होंने रखा हो, अगर आप उनको ब्यूटी का कोई सलूशन देने वाले हैं तो आप उनसे जितना पैसा मांगेंगे मिल जाएगा। तो
योगिक क्रियाओं को करने से आपको कहीं भी किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट का यूज करना ही नहीं है, नेचुरल ब्यूटी आ जाएगी, क्योंकि आपके शरीर के अंदर ऐसे सिस्टम काम कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक आपको सारे तरीके की समस्या को दूर करके नेचुरल ब्यूटी को लाने का काम करते हैं। तो ये आसन अभी जो देखा, ये नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाते हैं, लंग्स की समस्याओं को दूर करके आज की जो मेन समस्या है उसे दूर करने की बात करते हैं। अभी हम आपको एक मिनट बाद एक क्रिया दिखाएंगे जल नेति, उसके बाद उसके लिए सिर्फ आपको एक लोटे की जरूरत पड़ेगी, मैं दिखवा देंगे, और थोड़ा सा नमक की जरूरत पड़ेगी, वो भी हम दिखवा देंगे, और यहीं पर हम आपको डेमो करा देंगे कि बस ये आप कर लीजिए। मैं कहता हूं, मैं बोले तो मैं योग का समर्थक हूं, योग में सठकर्म की क्रियाएं हैं, सठकर्म योगिक सठकर्म, योग में छह वो क्रियाएं हैं जो शरीर को शोधन का काम करती हैं, वो शरीर में जिसमें से एक नमक यहां रखा होगा, तो जिसमें से एक क्रिया का अभ्यास सिर्फ जल नेति, उसके फायदे आप अगर सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी कि इतने फायदे किसी एक क्रिया से और इतनी इजीली करके अगर मिल पाए तो हमारे लिए खुदा ने, ईश्वर ने इतनी बढ़िया क्रियाएं बनाई हैं, तो मैं क्यों परेशान होंगे। पहले पानी ले लीजिए और फिर इसको करिए, अभी दिखा के डाल देंगे जिससे इनको पता लगे कितना नमक चाहिए। तो उन क्रियाओं को हम लोग अभी तैयारी हो रहे हैं, पूरा एक मिनट में हम आपको दिखा देंगे, कुल दो मिनट लगते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है, पहले उसके लाभ के बारे में जिक्र कर दे रहे हैं जिसका, जिससे आपका अटेंशन वहां बढ़ जाएगा। एक्चुअल में गले का, नाक से, आंख से, कान से और मुंह से, उसका एक जंक्शन बैक साइड में है जिसे सैनिटाइज अगर कर लिया जाए तो किसी भी वायरल से बचा जा सकता। ये यही वायरल नहीं, ऐसे भी वायरल जो अननोन है, तो नोन और अननोन सारी टाइप की समस्याओं को इससे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, सामान्य तरीके से आपको करता हुआ दिखाई पड़ेगा, बट ये सामान्य नहीं है। अभी देखिए प्रोसेस, देखिए प्रोसेस इसलिए देखना है कि यही हम आपको दिखवा देंगे, इसी के ऊपर रख दीजिए, यही देख लीजिए। तो इससे ये होगा कि ये सारे लोगों को आसानी से देखने में मदद मिलेगी। और ये देखिए, अब पूरी प्रक्रिया आप सब देख लीजिए क्या हो रहा। पहले देखिए, ये लोटा है जो आप हाथ में देख रहे हैं, और इसमें लुक वार्म हाथ के ऊपर गिराया जाए उतना गर्म पानी है, उसमें नमक मिलाया जा रहा, देखिए 2 ग्राम के आसपास ये नमक है, उसको घोल दिया गया। घोलने के बाद हाथ पर बैक साइड में देखिए पानी गिराया जाएगा, ये एक नोजल वाला, अगर इसमें गर्म है ज्यादा तब आपको पानी मिक्स करने हैं। अगर ये स्किन सहन कर पा रही है तो इसका मतलब है कि आपके नाक की स्किन सहन कर पाएगी। अब आपको नाक देखना है कि बाएं नाक से करने हैं कि दाहिने नाक से करने हैं, वो आपको देखना है। तो दाहिने नाक से या बाएं नाक से जिससे सांस जाएगी उससे करने हैं। पहले आप चेक कर लीजिए बंद करके इस तरीके से, पहले दायां या बायां किस नाक से आपकी सांस जा रही है, और फिर उसके बाद आपको उसी नाक से आपको इंटर करने हैं इस तरीके से पकड़ करके। देखिए नाक में आपने लगाया इस तरीके से, फिर किया और गर्दन को स्लाइटली टर्न किया, तुरंत पानी यहां पर गिरने लगेगा। देखिएगा अभी, ये देखिए गिरने लगा, दूसरे नाक से पानी गिरने लगा, ठीक है। इस तरीके से पूरे लोटे का पानी आप गिरा देते हैं, एक तरफ से डाल, बस मुंह खुला है, ये सबसे जरूरी है, मुंह खुला है। वापस आ जाएंगे। देखिए जो भी आपने देखा, इसका
मेन काम है कि गले के आसपास की चीजों को सैनिटाइज करना, मगर जो अभी देखा उसमें थोड़ी चीजें रह गई हैं, वो मैं अभी दिखवाएंगे। इसमें कपाल भांति एक नाम है जो 90% लोग पहले, अभी तो थोड़ा समझ गए हैं, पहले लोग 90% यही समझते थे कपाल भांति ही योग है, सारा योग को वो कपाल भांति ही समझते थे। एक्चुअल में कपाल भांति शोधन की क्रियाओं में आती है और जलनेति करने के बाद उसे जरूर करना चाहिए। उसको करके आप अपने नाक में जो पानी गया था कहीं अगर रुक रहा, फंस रहा, उसे आपको दूर करने हैं। अब देखिए किस तरीके से दूर करने हैं। अभी पोजीशन देख लीजिए, ये देखिए अभी झुक करके ही वही करने हैं, बाकी कुछ नहीं बनाना। ये देखिए दोनों हाथ इस तरीके से पकड़ लिया पीछे की तरफ, थोड़ा प्रेस किया नीचे की तरफ और फिर फ्रंट पर घूमेंगे। और अब आप देखिए नाक पर प्रेशर देना थोड़ा झुक के, ये देखिए, ये देखिए आवाज आ रही होगी। बस इस तरीके से नाक को साफ कर देते हैं। कोई अगर पानी वगैरह कहीं फंस रहा है, क्योंकि अगर आप पानी वगैरह कहीं होगा तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा जुखाम जैसा हो रहा, जबकि अगर आपने जलनेति एक बार दिन में कर लेते हैं तो प्रति सांस के साथ 10% एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जाएगी आपकी बॉडी में। अब इसका आप रेशियो लगा लीजिए, अगर प्रत्येक सांस के साथ 10% एक्स्ट्रा जाने लगे तो कुल सांसों का 10% तो नेचुरली एक्स्ट्रा चली गई। अगर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपने लिया तो नेचुरली आपके शरीर में धीरे धीरे वो सारी चीजें बढ़ने लगेंगी जिनकी वजह से आप अस्वस्थ थे, खास करके गले, नाक, आंख और कान के जो जंक्शन हैं उनको सैनिटाइज करने में मदद मिलती है। तो आपके बाल जो असमय सफेद हो जाते हैं, झड़ते हैं, इससे दूर हो जाएंगे। माइग्रेन तो लाइफ में नहीं होगा, आंखों से चश्मा हट जाते हैं, चश्मा ना लगे उसके लिए इसे करते हैं। बस कान में अगर आपके कान के पर्दे फटे हैं तो इसे अवॉइड करना चाहिए। एक बार किसी स्पेशलिस्ट के साथ, किसी योग थेरेपिस्ट या नेचुरोपैथ के साथ आपको इसे करना चाहिए, सीखना चाहिए और फिर इसे कंटिन्यू करना चाहिए। खास करके कानपुर या जो भी पॉल्यूटेड शहर है वहां पर इनका अभ्यास जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसको करके ये चीजें आप लाभ। ज्यादा वक्त ना लेते हुए मुझे आपको बस एक प्राणायाम दिखवाना है। वो प्राणायाम इस बात के लिए कुंभक करेंगे, वो देख लीजिए। पहले कुंभक प्राणायाम इस तरीके से पालथी लगाया, पालथी लगा के बैठिए। पद्मासन जरूरी नहीं, पद्मासन योगियों के लिए तो अच्छा है, बट अभी आप लोग योगी नहीं हैं, हम लोग भी गृहस्थ योगी ही हैं, तो इसलिए देखिए इस तरीके से किया। अभी क्या करेंगे, सारी उंगलियों को आपस में मिलाएंगे, इसे कुंभक प्राणायाम कहते हैं जो अभी करने जा रहे हैं। अंगूठे फ्री रखते हुए इसमें पूरी तरीके से पहले सांस को नाक से बाहर छोड़ते हैं, नाक को पकड़ लिया अंगूठे से, मुंह से भरा सांस को, ये देखिए मुंह से सांस भरा जा रहा, नाक बंद है, मुंह बंद हो गया, गर्दन झुकाइए, छोटी उंगली चेस्ट से लगाइए, दोनों हाथ की एल्बो कंधे जितनी ऊंचाई पर, गाल फुलाकर रखने हैं। जब लगे कि आपको सांस नहीं रोक पा रहे हैं तब आप नेक को सीधा करेंगे और वापस आ जाएंगे, वापस आए, गर्दन सीधी करें, ये देखिए नाक को ओपन करें, नाक से पूरी सांस को छोड़ देते हैं, मुंह की हवा पी करके उसे भी नाक से ही छोड़ते हैं। तो ये अभी जो आपने देखा इसका कुंभक नाम है, और ये कुंभक प्राणायाम अब आप समझिए, कुंभ मतलब होता है घड़ा, घड़े का जो आकार होता
वो वीडियो कुछ हाँ सर जी सर नहीं, बट मेरी वीडियो नहीं आ रहे, एक मिनट सर वीडियो ऑफ कर कर ऑन में स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गया सर। हाँ वो मेरा व्यू दिखाई दे रहा कहीं से। हाँ सर आ गया। आ गया ना, मैं यस एक दो मिनट में फ्री कर देता है। यस सर ठीक, वो इंस्ट्रूमेंट सब दिखा देते हैं। यस देखिए सर यस सर अभी आपको बस अगले दो मिनट में हम फ्री कर देंगे। देख लीजिए ये प्राणायाम है जो अभी कुंभक की आपने, उसे 5 राउंड से 10 राउंड कर सकते हैं। गर्मियों में नहीं करना चाहिए, ठंडियों में बहुत अच्छा प्राणायाम है वो। लास्ट में ओम कर लेते हैं। देखिए दोनों हाथ घुटने पर रखा इस तरीके से, ओम मानसिक समस्याओं को दूर करने का बेस्ट माना जाता है। आज लॉकडाउन में सबसे बड़ी समस्या मानसिक समस्या ही थी। देखिए दोनों नाक से सांस भरते हैं इस तरीके से और ओम बोलते हुए। बस आंखों को बंद रखते हुए हाथ की हथेली को रगड़ें, आंखों को सेक करें, वापस आ जाएं इस तरीके से रगड़ते हुए, जिसको आप 3 मिनट से लेकर के 6 मिनट कर सकते हैं, या फिर राउंड में कर रहे हैं तो 5 से 10 राउंड कर सकते हैं। ये जो है इतना इतना ही करने की जरूरत है आपको, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये आपको पेशेंस को बढ़ाने का भी काम करता है। परिस्थितियां कुछ भी हो मगर आप अपने पेशेंस को कैसे बनाए रखें उसके लिए इन क्रियाओं की मदद ले सकते हैं। हम आपको नेचुरोपैथी सेंटर में चूंकि बैठे हैं तो यहाँ पर कुछ जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट बोलें तो वैसे साधन जिनसे आप शरीर की क्रियाओं को बूस्टअप कर सकते हैं, मैं उनको दिखाने का प्रयास करेंगे और उसके बारे में भी समझाने का प्रयास करेंगे कुल 2 मिनट में। देखिए
मैं हैंड ओवर करता हूं डीन साहब को, आपके आप सबको धन्यवाद दे दें, क्योंकि ये उनके बिना संभव नहीं था। और मैं मेरे सहयोगी डॉक्टर उर्मिला यादव जी को धन्यवाद देंगे, वो हमारे साथ हमेशा सहयोग में रहते हैं। बिना उनके सहयोग के भी मैं आपसे नहीं जुड़ पाता, क्योंकि ये बहुत सारी कड़ियाँ होते हैं। हमारे टेक्नीसियन योगेश जी ठाकुर जी जो कि यहाँ हमारे साथ हैं, अब उनके भी सहयोग की जरूरत पड़ी, तो मैं आपको हैंड ओवर करते हैं, आप अपने सारे ऑडियंस को प्लीज धन्यवाद देंगे। यस सर, सबसे पहले सर को बहुत बहुत धन्यवाद, सर ने टाइम निकाला, जो कि सर का बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। आज ये इंटरनेशनल योगा डे है, सभी को बहुत बहुत योगा दिवस की शुभकामनाएं, और सर ने जो है हमारे लिए टाइम निकाला कॉलेज के लिए और हमसे कनेक्ट हुए, जो कि सर का 4-5 सेमिनार लगे हुए हैं। मॉर्निंग में 7 बजे हुआ था सर का, अभी सर के 2 और सेमिनार लगे हुए हैं। तो सर कभी मौका मिलेगा तो आगे हम लोग फ्यूचर में आपको कॉलेज भी सर इनवाइट करेंगे, आपके पास अगर टाइम रहेगा तो बच्चों को कॉलेज में भी लाइव, आपने काफी प्रैक्टिकली सर चीजें बच्चों को दिखाई है जिसको लेके हमें योग के बारे में बच्चों को आइडिया हो। हमारे वहाँ सर एक क्लब भी चलता है, हमारा एक योगा क्लब भी है कॉलेज का, उसमें भी बहुत सारे बच्चे सर जुड़े रहते हैं, तो उनको भी आज के सेमिनार से काफी सर आगे हम लोग इस पे आगे जो भी चीजें हम लोग ने सीखी है आगे इस पे हम लोग काम करेंगे और आपके टच में रहेंगे सर। तो बहुत बहुत सर थैंक यू, और सभी लोगों को जिन्होंने प्रोग्राम ज्वाइन किया और